अनेक गुड़िए रोग ठारु दूरे रखी थाए उपवास जानतु कौन कहुछि गवेषणा। भारतीय परंपरारे उपवास गोटे पुरातन पद्धति अटे। एठारे गोटे सप्ताह गोटे दिन जदि कहीं भगवान निकट में कौन पूजार्चना करी उपवास करिथे तबे विशेष कथाटी हैला उपवास भई गोटे धार्मिक कार्य विज्ञान सामंजस्य रही। आसतु जानवा उपवास द्वारा शरीर उपर कि प्रभाव पड़ता है किंतु प्रथम जानवा उपवास कहीं रखा उचित और किभली रखा उचित। समय समय उपवास करने द्वारा शरीर शुद्ध होता है सुरक्षित रही है। दीर्घ वर्षर उपवास करार अभ्यास द्वारा शरीर विषमुक्त होता है स्वास्थ्य सुधार आनी थाए। जदि आप सठिक भाव में उपवास करेंगे तेज पाचन तंत्र ठीक रही है। सबुठ बड़ कथी है उपवास दिन मनीष निजर ऊर्जा को निज शरीर को परिवर्तन करिवारे लगवा उचित। किछु लोक उपवास पर शरीर शक्ति लाभ करथिबा उन्नत मानसिकता गोटे मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम लाभ करथांती। केउ माने उपवास करबा उचित नै जदि आपण कोनोसे विशेष प्रकार रोगरे चिकित्सित होउछन्ती तेबे डाक्तरक सहित परामर्श करि उपवास करन्तु। जेउ व्यक्ति माने मधुमेह रोगी निम्न रक्तचाप और हिमोग्लोबिन कम थिबारे प्रभावित होउछन्ती तेमाने उपवास करबा पूर्वरु डाक्तरक परामर्श निहति आवश्यक। यह छड़ा गर्भवती महिला स्तन्यपान करुवा माँ माने उपवास करने ठीक नुहे। उपवास लाभ ओजन ह्रासर संभावना उपवास कैलोरी मात्रा को कम कराए जहाद्वारा ओजन ह्रास कर लाभ मिलता है। यह छड़ा शरीर संरचन सुधार होता है शरीर फुला कमाई थे उपवास शरीर फुला को कमाइबार साय करते जदि फुला कौन पुराणा रोगर होता है तेज यह अत्यधिक फलप्रद होता है। हार्ट पाई लाभदायक उपवास रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल स्तर और ऑक्सीडेबिट उत्तेजना को ठीक करते समस्त हृदय संबंधियों समस्या ठीक होता है तेणु उपवास करवा हितकर अटे। मासिक शक्ति वृद्धि होता है उपवास न्यूरोट्रॉफिक कारक अन्य लाभकारी ब्रेन केमिकल्स उत्पादन में साय करवास जहाद्वारा मस्तिष्क कार्य वृद्धि होता है। ब्यूरो रिपोर्ट सकाळ खबर।